गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। बस उठ गया हूँ क्योंकि फार्म पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से बस ऐसे ही देर सवेर उठते रहते हैं। तो बस अब उठूंगा और फार्म पे जाऊंगा। फार्म पे जाकर बस मेरे घूमा फिर करूंगा। इस बहाने से मेरी जो मॉर्निंग वॉक है वो पूरी हो जाएगी। और इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपके लिए कि देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चटकीली सी धूप निकल रही है काफी, ये देखो। और इस तरफ मम्मी जी झाड़ू लगा हैं और उस तरफ बाहर पिंटू झाड़ू लगा रहा था अभी, इस तरफ वो उस तरफ चला गया झाड़ू लगाते लगाते। तो ठीक है, मैं उठता हूँ। चटकीली धूप निकल रही काफी। भैंस दुल में अभी बिल्कुल नहीं दुई है, तो बस अब मम्मी जी भैंस वैंस दुएंगे, फिर ब्रेकफास्ट का जुगाड़ होगा हमारे घर में। तो ठीक है, मैं उठता हूँ अब। लो जी, बस उठ गए हैं। अब चलते हैं फार्म पर, बस इस बहाने से मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो जी उठ गया हूँ और मम्मी जी इधर टंकी साफ कर रही है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ फार्म हाउस पर। ब्रश ब्रश कर लिया है मैंने और बस अब निकलता हूँ। मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस पर मॉर्निंग वॉक के लिए। और इस तरफ पिंटू भाई दूध पिला रहे हैं कटिया के लिए हमारे। इसे कहते हैं पसवाना कहते हैं। और आधा दूध ये पी लेगी और आधा दूध मम्मी जी निकाल लेंगे इसको। देखो कितने झायदा हो रहा है। कैसे पी रही है, एक बार पिला देते हैं और एक बार हम अपने लिए ले लेते हैं। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। लो जी आ गए हैं इस तरफ, सब क्लियर है, कोई सांड वगैरह नहीं है इसमें। बस एक राउंड पूछा वाले फार्म पर लगा देता हूँ, वहां पर देख लेता हूँ ताऊ जी आए हुए हैं या नहीं। आ गया हूँ रोड की तरफ और इस तरफ देखो धान झाड़ रहे हैं लोग, कैसे धान झाड़ते हैं। लो जी आ गया हूँ इस तरफ और यहाँ पर ताऊ जी भी आ गए हैं। वो लेटे हुए हैं और चारपाई भी लेटे हुए हैं और पंखे से हवा कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, अगर जूम में दिख जाए तो। हाँ दिख गए, देखो आम की छाँव में मस्त से लेटे पड़े हैं। तो ठीक है, मैं पहुंचता हूँ ताऊजी के पास में और थोड़ी बहुत देर बात है करने के बाद वापस घर चला जाऊंगा। तब तक तो ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा हमारा। उस तरफ गाय वगैरह आ गई हैं, तो ताऊजी गए हैं डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए। देखो वो जा रहे हैं। काफी परेशान करती हैं ताऊजी को और अब नहीं आ रही है। अब ताऊजी की तबीयत सही हो गई है तो इन्होंने गायों ने आना बंद कर दिया कि हाँ यहाँ पर रहते हैं। कोई मतलब पीछे से अपने खेत में से मार देता है, भगाता है इधर को, तो इस तरफ हो जाती है। अदरवाइज़ ये भी समझदार है, जहाँ ज़्यादा परेशान करते हैं, जहाँ पर मतलब मालिक वगैरह होते हैं और रोक टोक होती है इनकी, तो ये उस तरफ नहीं जाती हैं। वहीं पर ही इनका अड्डा जम जाता है जहाँ पर कोई रोक टोक ना होती है। तो बस किसी ने पीछे से मारी थी गाय, तो इस तरफ आ गए हैं। और ये देखो झूला पड़े हुए हैं अभी बच्चों के। दोपहर को आते हैं बच्चे तो वो झूला झूलते हैं। ताऊ जी की एक नातनी है और एक नाती है, दोनों बच्चे आकर यहाँ पर झूला झूलते हैं। रस्सी पतली है, कोई मोटी रस्सी दे देंगे ताकि मतलब ये टूटे ना, टूटे ना। गायों को मारकर आ गए हैं ताऊ जी, तो बस अब आराम फरमाएंगे। जैसे जाएंगे एक दो बार तो और निकाल देंगे। बहरहाल आती नहीं है, कम आती है, उन्हें पता है कि यहाँ पर रहने लगे हैं। तो ठीक है, काफ़ी देर हो गई यहाँ पर घूमते घूमते, और अब चलते हैं घर पे और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। पहले एक राउंड फार्म हाउस पर जाऊँगा, उधर लगाऊँगा, उसके बाद इस तरफ भी जाऊँगा, फिर वो घर पर पहुँच जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। लो जी जितने कपड़े थे सारे धुल दिए हैं और बस रेडी हो गया हूँ। और खाना हमारा तैयार है, दाल बन चुकी है और चावल बन रहे हैं। और इस तरफ दीपक भाई हाउस से वो लेकर आए हैं तोरई, तो मैं दिखाता हूँ कितनी तोरई है, ये देखो। अरे वाह, ये देसी तोरई है, जो भुस वाला हमारा वो हॉल है उसमें है, ये जो ओझल ओझल है काफी। बेटा क्या क्या सब लौट दो, आप ठीक लौट देना सब ठीक है, ऐसे ही निकाल देते हैं। ये तो बढ़िया है, बीज रहूंगा इसमें, इसमें बीज रहूंगा, कच्चे हैं सारे, कच्चे हैं। और ये मम्मी के लिए सेंधा, सेंधा लाया, अरे वाह। मम्मी तुम्हारे फेवरेट थे आज भुस वाली के, अच्छे हाँ वो कह रहे हैं। चलो ये तो रही उनका बस। दीपो भाई तोरई ले आए हैं, शाम को तोरई बनेंगे, देसी तोरई है,
फार्म में तो रहेंगे, बस अब हमारे चावल में सीटी आने वाली है और जैसे ही चावल बनते हैं वैसे ही खाना खाने के बाद फार्म पर देखने जाऊंगा, बाग में जाऊंगा, थोड़ा बहुत देर वहाँ पर मतलब टाइम स्पेंड करूंगा। लो जी, हमारे चावलों में एक सीटी आ चुकी है और दूसरी सीटी का आने का इंतजार है। जैसे ही वो दूसरी सीटी आती है वैसे हमारे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। और इधर दीपक भाई नहाने की तैयारी में है, नहाने जा रहा है, पानी भर दिया पिंटू ने दीपक के लिए, तो ठीक है नहाने देते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं तीनों भाई मिलकर और मम्मी जी भी। A few moments later. खाना हो गया है और अब चलता हूँ फार्म पर घूमने के लिए, देखता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पर। मम्मी पानी दीपक भाई पिला दे पानी, मम्मी जी को निकल आया हूँ बाहर, रास्ते में हूँ, सुनसान गलियाँ हैं, ज़्यादा आबादी नहीं है और बस करीब 350 वोट हैं हमारे गांव में मात्र, बाकी बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है और आगामी समय में काफ़ी वोट हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ रही काफ़ी जोरों पर है। तो बस बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये भूरा आ रहा है, काफ़ी हंसमुख बच्चा है ये। कहीं पर नहीं, यही आ रहा है बेटा देखने के लिए, बाग में जा रहा है। काफ़ी अच्छा बच्चा है और आदर्शवान है बच्चा और संस्कारवान है और पढ़ाई में मेहनत करता है काफ़ी अच्छे तरह से, जहाँ भी मिलता है और दिल खुश होकर ही पूछता कि क्या हो रहा है चाचा। आ गया हूँ बाग में से और अब इस तरफ चलते हैं गवाने वाले फार्म पर, गवायत मैया की तरफ से चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि कोई सांड वगैरह तो नहीं, कोई गाय वगैरह तो नहीं है, तो ठीक है पहुँचते हैं उस तरफ। लो जी, आ गया हूँ इस तरफ गवाने वाले फार्म पर और यहाँ पर हमारे देखो बांसपति सब पकी खड़ी है, सब गोल्डन गोल्डन हो रही है और इधर गवानित मैया है, जय हो गवानित मैया, रक्षा कर लूँगा। और इधर ये डॉगी यहाँ पर आने की फ्राक में है, यहाँ पर छाव में लेट जाएगा कहीं पर ये, या फिर इरिगेशन डिस में चला जाएगा, उधर काफ़ी छाव है उस तरफ, तो ठीक है उस तरफ चलते हैं। जो सैसुत का पेड़ है वहाँ पर वेट करते हैं और एक दो रील बनाते हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और मम्मी जी तुरंत छील रही हैं। आज सो गया था मैं, जैसे फार्म से आया था घूमकर तो नींद आ गई, फिर सो गया और मम्मी धीरे धीरे आराम से तुरंत छील रही हैं। 6:30 बज चुके हैं, करीब 9:30-10 बजे तक मतलब हम खाना वाना से निपटेंगे। तो ये देखो ये तुरही है, धीरे धीरे एक एक करके छील ली। A few moments later. तुरही छील ली है मम्मी जी ने और बस छौंकने की तैयारी है, सारा सामान ले आई है और सिलेंडर भी हमने बाहर निकाल कर रख लिया, अंदर था, और इस तरफ लहसुन प्याज काट रही है मम्मी जी। हम प्याज लहसुन नहीं कहते हैं, लहसुन कहते हैं। कोई नहीं, कुछ भी हो बहरहाल टेस्ट आ जाता है लहसुन और प्याज से। मम्मी जी हर काम के लिए बड़े धीरे धीरे कर रही हैं, आराम से कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता, देखो लहसुन प्याज धीरे धीरे काट रही चली, तो ये तो बहुत समय लगा देंगी, तो ठीक है हम मतलब इनका हाथ बटाते हैं सब्जी छुकवाने में और तड़का लगवाने में और खाना बनवाने में, अदरवाइज करीब 11 बज जाएंगे रात के, तो ठीक है आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। और हम मम्मी जी का हाथ बटाते हैं किचन के काम में।